जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य योगेश प्रभाकर, जैसा कि आप सबों को विदित है, अभी अद्भुत पर्व चल रहा है, माघ मास महोत्सव। समग्र जगत में इसकी ख्याति जन जन तक फैली हुई है, वह आस्तिक प्राणी हो अथवा तो नास्तिक, सबकी लौ लगी रहती है कि कब माघ मास आए और यहाँ के सौंदर्य को अपने नेत्रों से देख पाए। वास्तव में यह भूमि ही ऐसी है। आज पवित्र दिवस है माघ मास का, और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं एक अद्भुत सात्विक वैदिक परिचर्चा के लिए। हमारे साथ में कई सारी विभूतियां विराजमान हैं, मैं आप सबको परिचय कराऊं। सर्वप्रथम समग्र जगत में वेद का नेत्र है ज्योतिष, वेद भगवान का। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋतु सुषम, वेद साक्षात नारायण है। वेदांग छह हैं और छह में जो प्रमुख नेत्र है भगवान का वह ज्योतिष है। तो ज्योतिष के माध्यम से आप परमात्मा का दर्शन करें और समग्र जगत को दर्शन करा रहे हैं विश्वविख्यात एस्ट्रो फ्रेंड श्री संतोष संतोषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वाम पार्श्व में विराजमान हैं वेदांत उपनिषद दर्शन न्याय मीमांसा आदि अनेक शास्त्रों के निष्णात यति विश्व मंगलम सेवान्यास के कर्ता धर्ता और हमारे युवा सन्यासी श्री आचार्य कौशिक चैतन्य जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दक्षिण पार्श्व में श्रीमद् भागवत जी की अद्भुत कथा, मीठी कथा गाने वाले श्री अभिनव सत्यानंद जी महाराज। हम लोग एकत्रित हैं आज प्रयाग की पवित्र धरा में। प्रयाग में अनादिकाल से यहाँ कल्पवास और कुंभ की परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर अनादिकाल से देखेंगे तो भरद्वाज मुनि वशही प्रयागा जी। भरद्वाज ऋषि यहाँ विराजते थे और भगवान राम स्वयं सत्संग करने आते थे। तीन नदियों का अद्भुत संगम, भगवती गंगा, भगवती यमुना, भगवती सरस्वती, तो ऐसी संगम के दर पर हम सब लोग विराजमान हैं और अद्भुत चर्चा यहाँ पर आज करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आप सबको एक नई दिशा और दशा प्राप्त हो सके। तो चर्चा का प्रथम प्रश्न मैं परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से मैं निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज से, कि यह कल्पवास की परंपरा जो है शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, ये कब से प्रारंभ हुई और जो प्रयागराज में कल्पवास है इसकी वर्तमान में क्या आवश्यकता है और इसका आध्यात्मिक लाभ क्या है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है साधकों के लिए। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रयाग के इस संगम और कुंभ के क्षेत्र से जहाँ पर ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, परंपरा किस दिन और किस समय प्रारंभ हुई इसका तो कोई निश्चित रूप से गणना नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, हमारी परंपरा में ये अनादिकाल से हमारे गुरुजनों और आचार्यों के माध्यम से हमको परंपरा में जो प्राप्त हुआ है वो ये हुआ है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति आव सब कोई। कौन कौन लोग आते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो मैं यहाँ पर आचार्य श्री संतोष संतोषी जी विराजमान हैं, यहाँ पर जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तो माघ का महीना और मकर राशि और सूर्य का प्रवेश होना, तो ये तो किसी सुनिश्चित तिथि में प्रारंभ हुआ हो इसकी कोई मान्यता तो नहीं मिलती है। ये तो फिर अनादिकाल साल से, जब से ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि माघ में और प्रयाग में संगम क्षेत्र में लोगों ने रहकर कल्पवास किया। कल्पवास का तात्पर्य यहाँ पर एक मास के प्रवास से है, जैसा कि आपने पूछा। तो कल्पवास की जो आध्यात्मिक
उन्नति जीवन में देखने को मिलती है वो तभी हो सकती है जब किसी भक्त साधक उपासक के हृदय में साधना के प्रति प्रेम जागृत हो। क्या बात, बिना प्रेम के किसी भी तरह का लाभ, किसी भी तरह के हमारे जीवन में सिद्धि संभव नहीं है, चाहे वो लौकिक सिद्धि हो अथवा पारलौकिक सिद्धि हो। तो पारलौकिक अर्थात आध्यात्मिक सिद्धि भी जब तक गंगा से प्रेम ना हो, जब तक संगम से प्रेम ना हो, जब तक यहाँ संगम में रहने वाले माघ मास में एक मास तक आचार्य लोग, संत लोग, गुरुजन, महापुरुष लोग आते हैं, उनसे प्रेम ना हो, तो यहाँ पर आकर एक महीने का जो निवास है उस एक महीने के निवास को ही कल्पवास कहा जाता है। अब कल्पवास में रहकर हमें क्या करना चाहिए, तो रहने का सर्वप्रथम जो यहाँ पर लाभ है वह है भगवती गंगा का सानिध्य, भगवती गंगा की गोद में। मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि हम लोग अगर गंगोत्री में जाएं जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह का गंगा की गोद में रहने का अवसर नहीं मिलता, वहाँ पे गंगा के तट पर आपको वास का अवसर मिलता है। यहाँ गोद में बैठा, यहाँ पर गंगा की बालुका में इस रेत पर बैठकर, गोद में बैठकर हम लोग एक मास तक इस गंगा की बालुका में रहकर साधना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और गंगा स्नान के पश्चात जो जिस परंपरा में दीक्षित है उस परंपरा से अपनी साधना को प्रारंभ करता है। कोई भागवत का स्वाध्याय करता है, कोई गीता का, कोई उपनिषदों का, कोई पुराणों का, कोई माघ महात्म का, कोई अपना जप अनुष्ठान करता है। तो इस प्रकार माघ के महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय से उत्तरायण और सारे मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों का भी श्री गणेश होता है। इसलिए एक महीने तक रहकर यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप मिलती है, क्योंकि जैसा है लोहे और चुंबक को अगर आसपास रख दिया जाए तो उसको चिपकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सहज में ही आपस में मिल जाते हैं। वैसे ही गंगा और संगम का क्षेत्र और एक साधक का हृदय जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप प्रारंभ हो जाता है। अद्भुत महाराज जी, आपने कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया। और एक बहुत विशेष बात जो इन्होंने कहा, मैंने उसी शब्द को पकड़ा कि साधना से प्रेम, क्या बात जी, जो गहराई इसमें है वो कहीं अन्यत्र मिलेगी नहीं। प्रेम शब्द में समर्पण छुपा है, बिल्कुल, और वहीं से प्राप्ति हो जाती है। जब आप यहाँ माँ गंगा से प्रेम किए, आप साधना से प्रेम किए, सब कुछ मिल जाता है। बहुत बहुत अद्भुत आपने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि जो हमें दर्शक देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से एक अद्भुत इस पूरे एपिसोड को और पूरे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। बिल्कुल, अध्यात्म के संदर्भ में आपने बताया, और आप विश्वविख्यात ज्योतिषी के रूप में समग्र जगत में जाने जा रहे हैं वर्तमान काल में, और युवा पीढ़ी आपको एक अन्वेषक के रूप में देख रही है। ज्योतिष के रूप में आपने अद्भुत रिसर्च किए हैं। एक जो परिपाटी चली आ रही है उसके ऊपर आपने नए नए अनुसंधान किए, जी जी, ये मैंने भी देखा है, जी जी। तो ये उत्तरायण, मकर आदि का जो संबंध है, सूर्य का उत्तरायण होना, मकर राशि का प्रवेश होना, और उसमें ये कल्पवास का लगना, इसका ज्योतिष के दृष्टि से क्या प्रभाव, और इसमें स्नान करने का क्या लाभ हो सकता है, क्या इससे कोई ग्रह दशा आदि भी परिवर्तित होती है? बिल्कुल, देखिए आदरणीय, आप जिस तरह का प्रश्न किए हैं, दो राय रही कि ज्योतिष इसकी गहराई में छुपा है। श्री ब्रह्मचारी जी ने जो बोला कि सूर्य उत्तरायण, जहाँ सूर्य शब्द आया, ज्योतिष के धुरी में सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण हैं, ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, समस्त ग्रह इनके प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, और उस समय माँ गंगा के पावन तट पर आ करके, हम भी उसी निमित्त आए हैं, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आ करके यहाँ स्नान करने से किस ग्रह की शांति नहीं होती है, इस पर तो संशय करना बेकार ही है। अर्थात अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु पक्षी, कुछ भी यहाँ अगर पधार गया तो उसकी कुंडली का सूर्य तत्क्षण सकारात्मक फल देने लग जाएगा।
दूसरी चीज, जहां अध्यात्म छुपा है, जहां सनातन छुपा है, जहां इसकी गहराई है, इसकी महिमा है, बृहस्पति स्वतः पधार जाते हैं, क्योंकि यहां गुरुओं का ही तो सानिध्य है। आप सब गुरु इसी सानिध्य में तो हैं। अब यहां पर जब गुरुओं का सानिध्य आ गया तो बृहस्पति तो इसमें बिल्कुल समझिए कि बिछे रहते हैं। तो और कहा गया है कि अगर कुंडली में बृहस्पति सकारात्मक हो जाए तो करोड़ों दोषों का नाश करते हैं। बृहस्पति के द्वारा हंस नामक पंच महापुरुष युग का निर्माण होता है, बृहस्पति के ही द्वारा कुंभ भी लगता है। अब आप माघ मेले में इस समय कल्पवास के लिए अगर पहुंच आए, कोई गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करे, देखते हैं हम कितने लाखों लोग हर पंडाल में जहां जहां कथा प्रवचन हो रहा बैठे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं इसका, तो उनके बृहस्पति को अब कोई छेड़ नहीं सकता। अच्छा। कहने का तात्पर्य ये है, वैसे तो मैं पत्थरों का दुर्विरोधी हूँ, अगर कोई करोड़ रुपए का पुखराज पहन ले उसके बराबर उसको फल नहीं मिलेगा, यहाँ अगर चंद सेकंड भी आकर किसी पावन गुरु का सानिध्य प्राप्त कर ले। अच्छा। तो इतनी बड़ी महत्ता है इसकी, बहुत बड़ी महत्ता है। बृहस्पति सूर्य तत्क्षण सकारात्मक फल देने लगते हैं और बाकी ग्रह उसके बाद पीछे पीछे लग ही जाते। सूर्य जो है, अगर मान लीजिए किसी के कमजोर हो जाए, मैं तो ज्योतिषीय भाषा का ज्ञान नहीं है, कमजोर हो जाए अथवा मजबूत हो जाए, जो भी चीजें हैं, हाँ हाँ हाँ। तो या किसी के बहुत कमजोर हैं, अगर वो लोग आते हैं स्नान करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो किस प्रकार के जीवन में उनके परिवर्तन दिख सकता है? देखिए, सूर्य कमजोर हो ही नहीं सकते अगर कोई यहाँ आता है। अच्छा। अगर किसी की कुंडली में बहुत कमजोर है, उससे हानि क्या क्या, मतलब तो वो आ ही नहीं सकता। परिवर्तन क्या क्या दिखेगा? वो आ ही नहीं सकता। आने के तत्क्षण बाद, देखिए सूर्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आपकी बोन्स हड्डियों का कारक है। अगर इन चीजों से संबंधित उसको दिक्कत होती है, बार बार अपयश का शिकार होना पड़ता है, सूर्य आजीविका का भी कारक है, सूर्य पंचम भाव का नैसर्गिक कारकत्व लेकर के संतान संबंध में भी विषय अपना रखता है, प्रस्तुत करता है, विद्या बुद्धि का भी विशेष कारकत्व की भूमिका निभाता है, इन समस्त क्षेत्रों में उसको आने के साथ ही नेत्र बंद करेगा तो महसूस हो जाएगा कि भैया कुछ तो हम पा ही गए, इतना गहरा उसको लाभ होगा। अद्भुत, आपने बहुत बड़ी बात कही कि ज्योतिष की दृष्टि से भी, और वास्तव में ज्योतिष दृष्टि ही है, वेद भगवान का के नेत्र हैं ज्योतिष। तो आपने ज्योतिष के दृष्टि से देखा कि कल्पवास करने से, स्नान करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है और क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। हमारे विश्वविख्यात आचार्य एस्टो फ्रेंड संतोष संतोषी जी के श्रीमुख से आपने श्रवण किया। तो अभी हम बहुत सारी चर्चाएं पूज्य स्वामी जी महाराज से आपके ज्ञान का लाभ हम लेंगे। जी बिल्कुल। और मेरे प्रश्न है स्वामी जी से, मैं बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी अछूते नहीं रहेंगे, प्रश्नों की बौछार तो इधर भी होगी कुछ ना कुछ। नहीं, मुझे एंकर बनने में ही आज बहुत आनंद मिल रहा है आपके मध्य में। लेकिन हमारे दक्षिण पारस में आप इनकी कथा बहुत श्रवण कर रहे हैं और अच्छी वाणी है आपकी, बहुत मीठी वाणी है, और विश्व मंगलम सेवान्यास से ही आप जुड़े हुए हैं, शिष्य परंपरा से हैं आप, तो भागवत जी की मनोरम कथा कर रहे हैं। तो आप कुछ माघ मास के संदर्भ में बताएं, यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं, या कुछ शास्त्रीय बातें आज आप जो बताना चाहें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलेंगे, सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आज, मैंने जितना, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि माघ की जो महिमा है, ऐसा कहते हैं कि 100 वर्ष तक कोई व्यक्ति अगर भूखा रहता है 100 वर्ष तक, तो उसको वो फल नहीं प्राप्त होता है, लेकिन कहते हैं एक दिन भी अगर कल्पवास वो व्यक्ति कर लेता है, और कल्पवास के साथ साथ अगर उसको, हमारे यहाँ कहा गया है, जैसे मार्कंडे ऋषि हैं, भागवत में एक शब्द है कि भागवत ता शब्द कहा जाता है कि तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, और जिसको बनाते हैं मेरे श्याम उसके परिवार का कभी बिगड़ने नहीं देते। मैं आपसे महाराज जी एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा कि मार्कंडे ऋषि आप जानते होंगे, मार्कंडे ऋषि की महिमा की, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् वंदनात् ओम मृत्यु मुक्षिमाम तत्। तो मार्कंडे ऋषि के जो पिता थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उन्होंने किसी से कुंडली बनवाई थी, उस कुंडली में उनको लिखा था कि महाराज जी
जो मार्कंडेय ऋषि की आयु है वो 4 वर्ष है, इसके वजह से वो बहुत चिंतित थे। तो मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या ज्योतिष से किसी का भाग्य का बदला जा सकता है, क्या ऐसा कुछ संभव है क्या? देखिए, भाग्य के विषय में ज्योतिष विज्ञान में ही एक श्लोक आता है कि ग्रहाणि फलचार्यण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्य से तमेकम भेद से बिना। ग्रहों के फलाचार को हम मनीषी जन सिर्फ सूचित कर सकते हैं, भाग्य तो वो परमात्मा के हाथ में है। भाग्य कदापि बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर भगवत कृपा हो जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आशीष, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके माध्यम से कुछ भी संभव है। जिस ऋषि के बारे में आपने चर्चा किया, वो आशीर्वाद से ही अमरता को प्राप्त किए, और यहाँ पर हम सब आकर सिर्फ आशीर्वाद ही खींचते हैं। क्या वो माँ गंगा के तट का आशीष हो या भक्तजनों का भी आशीष हो, तो आशीर्वाद ही तो लिया जाता है। आशीर्वाद से कुछ भी संभव है, वो बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष से भी परे है। वहाँ पर चमत्कार संभव हो सकता है, बहुतों ने बहुतों बार देखा है, समझा है। हाँ, सूक्ष्म विश्लेषण करें तो ज्योतिष विज्ञान में ये आ जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से कितना आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान है तो आप महानदियों के दर्शन से उसमें स्नान करके महा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति बलवान है तो ऐसे संत पुरुषों का आशीर्वाद आपको मिलता है। सूर्य बलवान है तो पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। शुक्र बलवान है तो मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। तो उस आशीर्वाद से आपको क्या प्राप्त होगा, ये कुंडली में ग्रह निर्धारित कर देते हैं। जी, तो बहुत प्यारी बात आपने कही। हमारे कही नहीं, हमसे प्रश्न भी दाग दिया। प्रश्न यही तो अभिनव है, लगता है कि अब हम ही आ जाएंगे और हम महाराज जी को सोचे थे लक्ष्मी नहीं, 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 नहीं अब मध्य में आप ही अभिनव सत्यानंद जी है, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इधर से प्रश्न आ भी सकता है, हम तो यहाँ से सोचे थे। तो हाँ ठीक, बहुत प्यारी बात। नहीं, कोई हमारे सामने ज्योतिष का विद्वान बैठा हो तो स्वाभाविक रूप से एक जानने की इच्छा हो ही जाती है, और अध्यात्म जानने की इच्छा हो जाती है जी। लेकिन हम पूछेंगे नहीं, हम बाद में पूछेंगे। अच्छा लगेगा जी जी, आप करें कुछ। तो अद्भुत चर्चाएं चल रही हैं। माह के संदर्भ में कई सारी बातें हम लोगों ने जानी, कल्पवास के संदर्भ में। महाराज जी, ये साधना आखिर है क्या जी? वास्तव में वर्तमान काल में देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से निश्चित रूप से हम विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, संसाधन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बार दूसरी दृष्टि से देखें तो हमें ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, हो सकता है कि मैं नकारात्मक भी सोच रहा हूँ, आप मार्गदर्शन करेंगे, विकास के आड़ में कहीं हम विनाश के मार्ग पर अग्रसर तो नहीं हो रहे जी। दूसरी बात कि चेतना शक्ति का हमारा ह्रास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, तो उस दृष्टि से कल्पवास को हम कैसे देखें? क्या इन सारी चीजों को भी इससे परिवर्तित किया जा सकता है? थोड़ा सा प्रकाश चिंतन के दृष्टि से। एक प्रश्न साथ में और उसी प्रश्न में, आदरणीय योगेश जी के ही प्रश्न में, ये कल्प और वास जी, कल्प से तात्पर्य क्या है? जी, बस यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न में दो प्रश्न एक साथ हैं, हाँ, तो इसलिए क्रमशः उस पर हम लोग विचार करेंगे। सर्वप्रथम तो आपने पूछा साधना, साधना नाम आते ही व्यक्ति केवल और केवल अध्यात्म के ओर उन्मुख हो जाता है, जबकि साधना शब्द केवल अध्यात्म के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि कहीं हम विकास की आड़ में या विकास के इस अग्रसर होते हुए दिशा में हम विनाश की ओर तो नहीं मुड़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो विकास का कोई भी क्रम विकास में किसी भी अवस्था में बिना साधना के संभव ही नहीं है। बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर देता है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में, शहरों में उसके इंडस्ट्री लग जाती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़ी व्यापार बिजनेस चलता है, तो क्या आप ये अनुमान नहीं कर सकते कि उसने भी साधना की होगी? बिल्कुल, साधना की दृष्टि दूसरी होगी, साधना का मार्ग दूसरा होगा, लेकिन साधना के अभाव में कभी भी सिद्धि नहीं मिलती। तो मैं इसको एक लाइन में अगर कहना चाहूँ, साधना से ही सिद्धि मिलती है। अब सिद्धि चाहे भौतिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो,
तो अब हमको यहाँ पर विचार करना है कि मुझे भौतिक दृष्टि की ओर सिद्धि प्राप्त करना है कि आध्यात्मिक दृष्टि की। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि की ओर सिद्धि प्राप्त करना है तो मैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि का एक योग सूत्र है, आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, नहीं जाना है तो जरूर पढ़ना चाहिए, जो भी लोग देख और सुन रहे हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, चार पाद हैं, बहुत ही अद्भुत छोटे छोटे सूत्रों में उन्होंने साधना को लेकर, उसमें एक साधना पाद ही है, मतलब एक खंड ही साधना पाद है, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सूत्र लिखा, सातु दीर्घ कालेन नैरंतरेण दीर्घ कालो सेवितो दृढ़ भूमि। सातु दीर्घकालीन, किसी व्यक्ति को साधना में सिद्धि मिलनी हो, मैं पुनः निवेदन करूं कि चाहे लौकिक अथवा आध्यात्मिक, आप अगर कोई उन्नति करना चाहता, अब हम लोग बैठकर एक माघ के महीने में इस ठंड में और इस गंगा जी की भूमि में साधना और तप कर रहे हैं, सभी की इच्छा और रुचि नहीं होगी ना, किसी को चाहिए होगा कि हमारी यहाँ मीटिंग है, हमारी वहाँ मीटिंग है, हमको यहाँ फैक्ट्री लगानी है, यहाँ दुकान खोलनी है, खैर, तो उनको भी साधना में अगर सिद्धि चाहिए अर्थात उनको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो उनके लिए भी ये सूत्र उतना ही उपयोगी है जितना हम आपके लिए। क्या है सूत्र का अर्थ क्या है, तो बोले सातु दीर्घकालीन, अगर किसी को भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे पहले है कि उसको पेशेंस, उसके भीतर एक धैर्य का होना अति आवश्यक है। मैं कई बार अपने कुछ जो युवा साथी लोग मिलते हैं कई बार, तो उनको एक थ्री पी का मैं उनको एक सूत्र देता हूं, अर्थात अपने जीवन में 3 P को ले आओ, और वैसे भी हम बहुत सारी पी से हम जुड़ना चाहते हैं, तो वो 3 P क्या है, तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ प्रार्थना, पी से प्रार्थना, प्रेयर, और दूसरा है कि आपके भीतर प्रेयर करने के बाद परिश्रम हो, क्या बात, कि केवल प्रार्थना करने से, अब बच्चा साल भर पढ़े ना और प्रार्थना करें भगवान हमें पास कर दो, भगवान हमें पास कर दो, घर में हम लेटे रहें, भगवान फैक्ट्री लग जाए, भगवान खूब इतना, तो नहीं होगा, आप प्रार्थना करो लेकिन प्रार्थना के साथ परिश्रम करना मत भूलो, और प्रार्थना के बाद जब आप परिश्रम कर लें तो आप धैर्य न खोएं, फिर जल्दी जल्दी ना, फिर पेशेंस, क्या बात, फिर आपके भीतर प्रतीक्षा हो, धैर्य हो, आपके भीतर इंतजार करने की सामर्थ्य हो, इंतजार जब सबरी ने किया, वो बूढ़ी माई जंगल में झाड़ू लगाती है तो राम चले आते हैं, तो हमारे जीवन में प्रार्थना, परिश्रम और प्रतीक्षा से ऐसी कौन सी सिद्धि है जो नहीं मिल सकती। महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ कालीन, सबसे पहली चीज है सिद्धि में लंबाई होनी चाहिए, अर्थात आपको देर तक चलने की इच्छा और सामर्थ्य होनी चाहिए, दीर्घ कालीन, और दीर्घ काल चलें तो, लेकिन एक दिन 10 किलोमीटर चल लें और दूसरे दिन फिर सो जाएं, वो आपने कक्षप और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो वो भी ना हो, फिर क्या हो, बोले नैरंतरेण, निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहे, आपका उसमें खंडन ना हो, ये भी साधना का एक मार्ग, एक मार्ग है, सातु दीर्घकालीन, निरंतरेण, और फिर बोले सत्कार, सत्कार का तात्पर्य है आप जो काम कर रहे हो उस काम में ध्यान दीजिएगा, आपको आदर बुद्धि होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, अगर हम यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा सूत्र है, ये चर्चा भी आदर भाव से हो कि वाह हम लोग यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, देखने सुनने वालों को तो लाभ मिलेगा ही लेकिन हमको भी चर्चा का लाभ मिल रहा है और इस क्षेत्र में 1 घंटे बैठकर सत्संग हो रहा है, ये क्या कम बड़ी बात है, तो हमारी इस परिचर्चा में भी आदर भाव हो। यहाँ पर हमारे जो मित्र लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों तक ये चर्चा पहुँचा रहे हैं, इनको भी अपने इस कार्य में आदर बुद्धि हो, अपने इस यंत्र में आदर बुद्धि हो, साधना बन गया, ये साधना हो जाएगी, साधना हो गया। तो सातु दीर्घकालीन निरंतरेण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यहाँ दृढ़ भूमि का तात्पर्य है कि आपको फिर ऐसी भूमि मिल जाएगी, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ऐसी सिद्धि मिल जाएगी, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो इसलिए तीन चीजें आपके जीवन में होना चाहिए, एक है प्रार्थना, दूसरा है परिश्रम, और फिर है प्रतीक्षा। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। और दूसरा प्रश्न था कल्पवास, यहाँ कल्प से तात्पर्य मास का है, वैसे तो हमारे यहाँ अगर ज्योतिषीय गणना में हम जाएंगे तो ब्रह्मा जी के कई दिनों और चतुर्युगियों को मिलाकर
कल्प की का एक खाका तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर कल्प से तात्पर्य एक मास का है। अच्छा। सौर मास जो है जिस समय मकर राशि में भगवान सूर्य का चरण होता है, वो प्रवेश करते हैं, उस समय से लेकर अर्थात जो हमारा पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा 30 दिन का ये जो एक काल है उसको कल्पवास कहते हैं। और कल्पवास में रहने के विभिन्न आपको लाभ मिलते ही हैं, और उस लाभ को अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया। अब हम एक प्रश्न आपसे हम अब छोड़ना चाहते हैं। भागवत मर्मज्ञ हैं आप सब, तो भागवत में इस माघ मास के विषय में क्या कुछ वर्णन आता है उसमें भी? माघ हमारे यहाँ यूँ तो द्वादश मास बताए गए, जी जी, राशियाँ द्वादश है, संक्रांति द्वादश है, जी जी, तो द्वादश मास की चर्चा है हमारे यहाँ। द्वादश का संदर्भ है 2 और 3 से, और गुण 3 है, 2 और 1 को जब प्लस करते हैं तो 3 होता है, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारा जीवन ऐसा हो इन द्वादश मास में कि एक दिन ऐसा है कि हम त्रिगुणातीत हो जाए, हमारी अवस्था ऐसी हो, और इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। इन द्वादश मासों में 3 महीनों की बहुत गहराई से शास्त्रों ने बहुत विवेचन किया है जी, 3 मास की, और उसकी मुझे लगता है आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकते हैं। जी जी, जरूर होगा। हमारा अध्यात्म विज्ञान से जुड़ा है क्या? वो है ही वही चीज। हम चाहते हैं, हमारे ख्याल से हमें ये लगता है कि हमारे अध्यात्म को ही विज्ञान बना दिया गया। मैं मतलब एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि अध्यात्म जहाँ पर पहुंचकर अपने आप को पूर्ण कर लेता है, विज्ञान उस अध्यात्म के इर्द गिर्द अपने आप को खोजता हुआ पहुंच जाता है, और फिर वो विज्ञान अध्यात्म की छाया में अपने आप को सिद्ध कर लेता है। एकदम आप सत्य कह रहे हैं। अब 3 मासों को हमारे यहाँ बहुत इसकी महिमा गाई है जी। सबसे पहला है बैसाख जी, बैसाख मास की अपने आप में बड़ी, मैं बोले बैसाख नहाए क्या गाँव में? आज भी देखिए लोग बैसाख नहाते। दूसरा है कार्तिक, इसकी भी अपने आप में एक अद्भुत महिमा है। देश दर्शकों को आप आंग्ल महीना भी बताइए, बैसाख दर्शक हमारे समझ नहीं रहे होंगे। हमने अभी अपने एस्ट्रो क्विज में एक प्रश्न किया था कि होली किस महीना में पड़ता, तो बहुतों ने उसको जो है मार्च बैसाख का भी प्राय अप्रैल से हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, हमारे ख्याल से वो सूर्य उच्च का जब होता है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के मध्य उच्चस्थ सूर्य को ही वही माना गया। असल में जो चैत्र से लेकर और फाल्गुन तक महीना है, वो अंग्रेजी के एक एक महीने के साथ हम नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। जैसे चैत्र को हम चैत्र को अप्रैल से नहीं जोड़ सकते। अनुमान बता रहे हैं उसको हम ऐसा जोड़ सकते हैं कि एक जो हिंदी महीना है वो अंग्रेजी के 2 महीनों के बीच में पड़ता है, वही पड़ता ही है। बिल्कुल ऐसा, तो एक अनुमानित मतलब वही अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के मध्य में वो बैसाख। अच्छा, दूसरा महीना है कार्तिक, इसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है कार्तिक की। जी जी जी। यह मुझे लगता है अक्टूबर और नवंबर के आसपास में, दिवाली की दीपावली और जो बिहार और ये पूर्वांचल के क्षेत्र में छठ पर्व मनाते हैं, ये कार्तिक में ही हम लोग मनाते हैं। अच्छा, तीसरा महीना हो गया माघ। माघ का, अच्छा, इन तीनों की बहुत विशिष्ट महिमा बताई है। मुझे लगता है इसकी बहुत वैज्ञानिक बहुत सारे तथ्य भी होंगे। जरूर। कि बैसाख में आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है तो शरीर की जो नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी, शायद यह कारण हो सकता जी, है जी। और जो कार्तिक का है उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की महिमा बताई है, तो वह ठंड उस समय प्रारंभ हो रहा होता है, तो उस समय भी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर समाहित हुई है वह दूर हो जाए। पर ये माघ का महीना कुछ ऐसा इसमें भी होगा, और माघ की महिमा की जहाँ तक आपने बात की, मैंने थोड़ा सा घुमाया बात को, माघ की भागवत जी में भी अनंत अनंत महिमा बताई है। जी जी जी। माघ मास की महिमा, चूंकि मकर राशि की प्रधानता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं, और उत्तरायण में साधक साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं। बिल्कुल। इसलिए ऐसा कोई भी पुराण, सिर्फ भागवत ही नहीं, ऐसा कोई भी पुराण नहीं जिसमें चर्चा सूर्य के उत्तरायण की न हो।
इसलिए अन्य दो महीनों की अपेक्षा बैसाख और कार्तिक की अपेक्षा माघ की महती चर्चा इसलिए सर्वाधिक चर्चा है क्योंकि उत्तरायण इसमें प्रारंभ है और हम चाहते कि हमारे जीवन में उत्तरायण अर्थात हमारा जीवन प्रकाश से उत्तरोत्तर वृद्धि की तरह प्रकाशित हो और हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो पूर्व काल में जितने भी जागृत चेतनाएं थी जो भी महापुरुष थे वो शरण भी जब त्यागते थे तो इसी समय की इसी काल की प्रतीक्षा किया करते थे, जैसे पितामह भीष्म वर्तमान में भी अपने निम्बारकाचार्य भगवान, क्या नाम उनका, चले शरण छूट गया श्री जी महाराज जी आदरण, वो सब भी। तो इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है और भागवत जी में भी बहुत इसकी चर्चाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। गीता में भी उत्तरायण और दक्षिणायन को लेकर भगवान ने आठवें अध्याय में बड़ा ही विस्तृत चर्चा की है, तो अगर हमारे श्रोता और भी अधिक पढ़ना चाहें तो नहीं वो गीता को भी माध्यम बनाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि दो प्रकार की गतियाँ होती हैं व्यक्ति की, एक उत्तरायण में शरीर छूटने के बाद और दक्षिणायन में शरीर छूटने के बाद। तो उत्तरायण में जब सूर्य भगवान प्रकाश की अपनी चरम अवस्था में होते हैं तो उस जीव की सद्गति प्राप्त होती है, ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चर्चा की है। अच्छा जी, अब आप दोनों से मैं बारी बारी से बल्कि अभिनव जी से भी मैं चाहूँगा कि एक प्रकाश डालें आप लोग। आज के परिवेश में मनुष्य भौतिक सुख संसाधनों की तरफ भागता है। 1000 लोगों को अगर हम इकट्ठा करें तो शायद ही उसमें से कोई एक हो जो आध्यात्मिक उन्नति की बात करे। बिल्कुल, नहीं तो बस हाय नौकरी, हाय विवाह, हाय बच्चा, हाय घर, हाय गाड़ी। क्योंकि आप ज्योतिषी हैं तो आपके पास ये चीजें नित्य आती होंगी। तो प्रश्न हम ये चाह रहे थे आपसे करना जी, जी। कि आध्यात्मिक विकास, जैसे कल्पवास के लिए कोई आया यहाँ माँ गंगा के पावन तट पर आया, आप सन्यासियों के मध्य में आया आचार्यों के, तो आध्यात्मिक विकास के साथ भौतिक विकास कैसे कनेक्ट हो, कैसे जुड़े, क्या बात, और कहाँ तक ये जुड़ सकता है। तो व्यक्ति जब तक उसमें कुछ देखेगा नहीं स्वार्थ, तब तक अध्यात्म में नहीं आएगा। तो उसको क्या भौतिक लाभ भी इससे मिलेगा अगर आध्यात्मिक रूप से आता है? आप योगेश जी पहले प्रकाश डाल। भौतिक लाभ से थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए। भौतिक लाभ वही जो हमने बताया, ये सब हमारा जो भौतिक जीवन है, भौतिक संसाधन, सुख संसाधन, बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है। वास्तव में अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने से श्रम सीढ़ी है और कृपा लिफ्ट है। जी जी जी, श्रम सीढ़ी है, कृपा लिफ्ट है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि हमारा जीवन पुरुषार्थ विहीन हो जाए। विषयांतर जा रहे हैं आप। अच्छा। हमारा प्रश्न जो है बड़ा सपाट है जी। अध्यात्म में बिल्कुल आप पर भी आएंगे, अध्यात्म में प्रवेश के साथ भौतिक लाभ क्या मिलेगा, ये प्रश्न था कि व्यक्ति यहाँ आए तो उसको ज्योतिष की आईने में तो हमने अभी बताया कि भाई सूर्य बलवान हुआ, बृहस्पति बलवान हुआ, लेकिन आध्यात्मिक प्रवेश के साथ उसको भौतिक लाभ किस लेवल पर जा सकता है, किस तरह से हो सकता है? वर्तमान में आप देखें भौतिक विकास की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अभी विश्व में सर्वाधिक मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक, मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। इसको किन शब्दों में मैं बताऊं, मतलब स्थितियां बहुत विकृत, आत्महत्या की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। विकास की उस पराकाष्ठा पर हम पहुंच गए, सारे संसाधन हैं, फिर भी हम हताश, निराश, मायूस, खामोश होते जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर उस विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद यदि चाहते हैं हताशा, निराशा, मायूसी, खामोशी जीवन में न हो, तो साथ में जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक है आप भौतिकता कह सकते हैं, दूसरे को आप आध्यात्मिकता कह सकते हैं। दोनों को अगर साथ लेके चला जाए तो वास्तव में भौतिक जीवन को जीने का आध्यात्मिकता का पुट अगर उसमें लग जाए तो मजा और हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभिनव जी आप बीच में जी, आपका जो प्रश्न था मूल प्रश्न, मैं उस पर थोड़ा सा विस्तार करूं। आपका अभिप्राय ये कहने का है कि आध्यात्मिकता के साथ भौतिक उन्नति कैसे हो सकती है, मुझे जहां तक समझ में आया। आध्यात्मिकता को अगर हम ग्रहण कर लें कि भौतिकता में क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, जैसे कि एक महीने कोई व्यक्ति आए या 10 दिन 5 दिन के लिए आए तो अपना समय यहां क्यों वेस्ट करे, क्यों नष्ट करे। मैं एक सूत्र के साथ इसको प्रारंभ करूं कि एक सूत्र आता है हमारे शास्त्रों में,
प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात इसका हिंदी अर्थ हुआ कि प्रयोजन के अभाव में, प्रयोजन अर्थात लाभ, लाभ के अभाव में मंद से मंद, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इसके पीछे हमारा भी कोई प्रयोजन है, अगर वहाँ पर बैठकर आप इस सेवा को दे रहे हैं तो आपका भी प्रयोजन है, और कोई बैठकर वहाँ सुन रहा है उसका भी प्रयोजन है। तो बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना अपना धन नहीं खर्च करेगा, तो उसका लाभ क्या मिलेगा, उसको उन्नति कैसे होगी। एक तो यहाँ आने पर उसको जो शांति सुकून मिलेगा वो सबसे बड़ी उसकी उन्नति है, क्योंकि सब भाग दौड़ की इस जिंदगी में सबसे चीज जो हमारी खोई वो है शांति, वो है आनंद, वो है सुख, वो है जो फकीरी है अंदर की, वो हम भूल गए। कहीं ना कहीं कंपटीशन के दौर में हमने जो नहीं है वो होने का प्रयास करते हैं। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, मैं हूँ कुछ लेकिन दिखना कुछ चाहता हूँ, जो मैं हूँ वो मैं दिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो नहीं हूँ वो दिखना चाहता हूँ। एक बार एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले कई बार, अब हम अपने लोगों की बात कर लें, कोई लोग साधु होते नहीं, साधु दिखना चाहते हैं। कोई लोग बहुत बड़े लोग होते नहीं लेकिन बड़े दिखना चाहते हैं। तो होने और दिखने में फ़र्क है। तो अब इसको अगर मैं इसको जोड़ूं कि अगर यहाँ पर आने के बाद आध्यात्मिक सुख तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ वो आएगा तो कुछ न कुछ सत्कर्म ही करेगा, सत्कर्म करेगा, अर्थात गंगा स्नान करेगा, वहाँ घाट पर बैठे हुए दीन दुखी को कुछ दान करेगा, अन्न दान करेगा, वस्त्र दान करेगा, संतों का आशीर्वाद लेगा। और इस जीवन में अगर आपको भौतिक लाभ चाहिए तो आशीर्वाद से बड़ा कोई भी साधन है ही नहीं, उद्यम नहीं, बिल्कुल ठीक बात। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। तो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ हमारी जो भौतिकता है वो जुड़ी ही हुई है। और आज तक इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, जो भी चरम पर पहुँचे हैं, भौतिकता की उन्नति पर पहुँचे हैं, वो आध्यात्मिकता के ही आधार पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में गुरुओं का बहुत महत्व है। जो भी व्यक्ति जहाँ भी पहुँचा है, भले वो दिखे ना, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म को जरूर लेकर हो, गुरुओं के आशीर्वाद से ही वहाँ पर पहुँचा है। जी जी। बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बड़ा अच्छे से प्रश्न को बताया गया, भौतिकता से इसको जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया। जाहिर सी बात है, हम सब भौतिक जीवन में जी रहे हैं, बाल बच्चों को पालन पोषण करना है, लेकिन अभी जैसा कि आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने बताया कि बिना आध्यात्मिक उन्नति के भौतिक उन्नति संभव ही नहीं है। कारण इसके पीछे है, इसके मूल में है कि भैया कितनों कमाए लिया, लेकिन मानसिक शांति कहीं मिलक ना है जब तक यह न आवत जावा। अर्थात आपको आध्यात्मिकता की शरण में आना ही आना है। एक अंतिम प्रश्न के साथ फिर परिचर्चा को यहाँ पर हम लोग अब समयाभाव के चलते समाप्त करेंगे। कोई कल्पवास के लिए क्यों आए आदरणीय आप जी? कल्पवास के लिए क्यों आए? क्योंकि उसके जीवन में कुछ चाह है, और जब चाह हो, मतलब कि अगर हम आ गए तो हमको मर्सिडीज मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल जाएगी? अगर अगर मर्सिडीज मर्सिडीज की चाह है आपके भीतर, देख लीजिए आप निश्चितम। ऐसी कौन सी कामना है जो यहाँ बैठ के कल्पवास करने नहीं पड़ेगा या फिर 5 दिन में काम चल जाएगा? देखिए यहाँ पे कल्प वृक्ष है, अरे भागवत को एक कल्प वृक्ष कहा गया है। दरिद्र को धन, रोगी को निरोगी काया, नहीं संतानवान को संतान, और जिसको इससे संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है। यहाँ पे भरत क्योंकि यहाँ पर एक अक्षय वट है। जब कल्प का अंत हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, तो उस अक्षय वट पर ही भगवान बैठकर सृष्टि का पुनः आरंभ करते हैं। अक्षय पूर्ण चाहिए तो कल्पवास, बिल्कुल आदरणीय आप प्लीज जी। निश्चित रूप से अगर वास्तव में जीवन में सफलता की उत्तुंग शिखर पर पहुंचना है तो एक बार तो पधारिए प्रयाग,
करिए कल्पवास और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यहीं पर आकर श्री भरत जी ने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नामान। स्वर भानु कहते हैं अमृत की बूंद यहाँ पे गिरी थी, आज के दिन जो स्नान कर लेता है उसे जन्म जन्मांतर के जो पापों से। और एक आप जो कह रहे थे मस्टडीज, मस्टडीज तो एक तुच्छ सा है। मस्टडीज की दुनिया की सबसे मतलब एरोप्लेन भी संभव हो सकता है, कुछ नहीं है। चलिए बहुत अच्छा रहा, बड़ा प्यारा सा यहाँ पर चर्चा को अब यहाँ विराम दिया जाएगा। सभी आगंतुक जितने हमारे महापुरुष हैं इन सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे चैनल और साधना चैनल सबके दर्शकों को भी हम बारंबार नमन करते और आग्रह करेंगे कि आप अगर भौतिक उन्नति भी चाहते हैं तो उसकी नींव में आध्यात्मिकता को जरूर रखिएगा, जिससे भौतिकता की जो बिल्डिंग आपकी है वो मजबूती प्राप्त कर सके। आप लोग चाहें तो कुछ प्रश्न ऐसे YouTube में पूज्य महर्षि के आचार्य भगवान के कमेंट्स कर सकते हैं जी, जो आपके प्रश्न अगर कुछ अच्छे लगे तो एक बार यह फिर से हम लोग चर्चा कर। हाँ, बिल्कुल बैठा जाए। कुछ ऐसे प्रश्न आपने किए तो यह विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम।